मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वियर वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इन जीके फॉर स्टैंडर्ड 5th. क्वियर मीन्स विचित्र एनिमल्स. हम विचित्र के बारे में पढ़ेंगे, मतलब विचित्र एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लर्न एंड रिमेम्बर ममल्स. ममल्स जनरली लिव ऑन लैंड. दे ब्रीद थ्रू देयर लंग्स. दे गिव बर्थ टू द यंग विच दे फीड ऑन देयर मिल्क. बट देयर आर सम स्ट्रेंज ममल्स. ममल्स क्या होते हैं? जो जमीन पर रहते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, और दे फीड देयर ओन मिल्क, अपना खुद का मिल्क उनको पिलाते हैं, और ये लंग से ब्रीथ करते हैं. बट धरती पर और भी स्ट्रेंज ममल्स हैं. फर्स्ट थिंग इज वाटर ममल. हम वाटर ममल के बारे में पढ़ेंगे. पहले वेल्स आर द ममल्स, बट दे लिव इन वाटर. दे आर नॉट फिश. वो लोग फिश नहीं है, वो लोग ममल्स है. द ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल. Walruses and seals are also water mammals. Dolphins are also water mammals. They are very intelligent and sensitive. They have a language of their own. They help one another. Dolphins can be trained to perform many tricks. और सबसे ज्यादा important बात है, ये हमारा national water mammal है. Understood? Flying animal. Bats are the only mammals which can fly. Often people mistake them for birds, which they are really not. हम बैट को बर्ड में बर्ड बोलते हैं, उसको पंछी बोलते हैं, बट वो पंछी नहीं है, वो ममल है. एग लेइंग ममल. इट साउंड स्ट्रेंज बट देयर आर एग लेइंग ममल्स ऑल्सो. प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंडिटर्स आर द टू ममल्स विच ले एग. फ्लाइंग फ्रॉग. द फ्लाइंग फ्रॉग हैव लार्ज वेब फीट. They are very light in weight. When they leave, they spread out their web feed and sail for long distances. इनके जो फीड है वो नॉर्मल फ्रॉग से अलग टाइप के होते हैं, और वो लोग जब उड़ते हैं तो उनके जो ये फिंगर्स है, आप देखो फोटो में कैसे देखिए, ये पूरे स्प्रेड हो जाते हैं और बहुत दूर दूर तक उड़ सकते हैं. There are also the flying snakes. The flying snakes do not really fly but glide in the air. ये लोग fly नहीं करते हैं, बट हवा में ऐसे 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 उड़ सकते हैं. दे फ्लैटन देयर बॉडीज बाय ड्रॉइंग अप देयर रिब्स एंड सेल स्मूथली इन द एयर. हु इज द नेक्स्ट, जिसके बारे में अभी तक हमको मालूम नहीं था. द फ्लाइंग फिश. द फ्लाइंग फिश हैव लॉन्ग फिन्स जस्ट बिहाइंड देयर हेड. दिस फिन्स एनेबल देम टू ग्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. देयर आर फोर विंग्ड फ्लाइंग फिश ऑल्सो. दे हैव लार्ज फिन्स बीनेथ देयर बॉडी एज वेल. द फोर विंग्ड फिश कैन ग्लाइड अबव द सरफेस ऑफ वाटर आर नियरली 200 मीटर्स. 200 मीटर्स का होता है. अगर कोई हर मच्छी पानी के अंदर ग्लाइड करती है, ये पानी के ऊपर ग्लाइड करती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्लाइंग फिश. रिनोसेरस. द हॉर्न ऑफ रिनोसेरस. द चार्जिंग रेनो कैन नॉक डाउन कार्स विद द हेल्प ऑफ दिस हॉर्न. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द हॉर्न ऑफ रिनोसेरस इज मेड अप ऑफ द टाइटली बाउंड हेयर. ये बालों से बनाया हुआ उसका सिंग होता है, इतना कड़क होता है कि पूरे कार को गिरा सकता है. देखो कुदरत ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है. द बेबी कंगारू. द कंगारू इज अ वेरी बिग एनिमल, बट एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ इट इज ओनली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. आपने स्केल में देखा होगा ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब हार्डली वो इतुसा होता है जब वो पैदा होता है. और ये एक बड़ा जानवर है, बट जब वो पैदा होने के टाइम वो तसी जब वो पैदा होता है. इलेक्ट्रीफाइंग फिश. सम फिश प्रोड्यूस लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फॉर अटैक एंड डिफेंस. देखो ऊपर वाले ने नेचर में ही सब कुछ बना के रखा हुआ है, और जब ये फिश में पाया गया है कि वो अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए वो करंट फेंकती है. एंड ईल कैन प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अप 10 बल्ब. जो ईल फिश है वो 10 बल्ब को जला सकती है, इतना वो इलेक्ट्रिसिटी फेंकती है. द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय दिस फिश कैन किल अ पर्सन. एक इंसान मर जाएगा अब उसके प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द आईज ऑफ द चैमिलियन. द चैमिलियन कैन लुक इन टू टू डिफरेंट डायरेक्शन साइमल्टेनियसली. इट्स आईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो इट कैन लुक इन फ्रंट विद वन आई एंड बिहाइंड विद द अदर. देखो हम एक आंख से एक ही जगह पर देख सकते हैं, हम एक आंख इधर और एक आंख इधर नहीं कर सकते. बट ये जो चैमिलियन है इसके पास ऊपर वाले ने कुदरत ने ऐसी ऐसी खूबी दी हुई है कि वो एक आंख से आगे और एक आंख से पीछे देख सकता है. बाय बाय.